प्रणाम। देखते ही देखते 4 दिन तो बीत गए। ऐसा हमने मन ही मन एक प्रोटोकॉल बना लिया है कि यदि वर्षितप शुरू होना तो आगे के 3 उपवास यानी लगभग 1 हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वो निकल गया तो यानी जंग जीत ली समझो, या फिर सिद्धि तप हो तो उसकी 3 बारी चढ़ ली, या 28 के 3 उपवास, या फिर ओली के शुरू के 3 आयंबिल अच्छे से हो गए, मतलब समझ लेना कि बाजी जीत ली। बस हमने भी लॉकडाउन के 4 दिन सद्विचारों में बिता दिए। अब करीबन 16 दिन ही जो बचे हैं वो भी आसानी से निकलेंगे। पर जब 21 दिन के बाद सब मिलेंगे ना, जैसे व्यापार की सीजन खत्म होती है और सब पूछते हैं बोलो किसने कितना कमाया, तब लोग बाहर आके क्या बोलेंगे उसकी मैं आपको भविष्यवाणी बता दूं, तो लोग ये बातें करेंगे कि कितनी सामायिक की, मैंने तो इतनी नौकर वाली की नहीं, अरे मैंने इतना नया स्वाध्याय किया, मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी सत्पुस्तकें पढ़ ली। और यदि हमारे पास जवाब देना नहीं होगा और वहाँ कहने गए कि मैंने तो इतनी मूवीज़ या नेटफ्लिक्स की इतनी सीरीज़ देख ली है, तो कहीं शर्म से मुंह छुपाना भी पड़ सकता है, क्योंकि चारों दिशा में तप और जप का डंका बज रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, आप भी जुड़ सकते हो आराधना की रेस में। कल हमने 7वीं भावना आश्रव की देखी, कषाय आदि निमित्तों से कर्मों का आत्मा में प्रवेश होना यानी आश्रव। आज आगे बढ़ते हैं और आज बात करनी है 8वीं भावना अर्थात संवर की भावना। परम पूज्य उमा स्वाति जी महाराज साहिब ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, आश्रवा निरोध संवर, आश्रव को रोकना यानी वो नौका के छिद्र को रोकना, उसमें से जो पानी आ रहा था उसे रोकना यानी कर्मों को बांधते अटकाना, यही तो होता है संवर। उत्तराध्ययन ग्रंथ के 29वें अध्ययन की 13वीं गाथा में भी बताया है, पचखान लेने से आश्रमों के द्वारों का यानी हमारी इच्छाओं पे भी निरोध लगता है, वे अटकती है, और जब इच्छा ही नहीं रही तो मन परम शांति का और संतुष्टि का अनुभव करेगा। हमने खुद ही इन दिनों में तो देख ही लिया होगा ना कि जीवन जीने के लिए एक्चुअल में हमने कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, और फिजूल की चीज़ें पाने के लिए हम अपना कितना वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद करते हैं। इन दिनों में कईयों के बर्थडे भी आए होंगे, होटल्स में पार्टी या रात को केक के सेलिब्रेशन से कितने लोग इस पाप करने से अटक गए होंगे। आजकल तो एक नया क्रेज जम लग गया है कि पूरे दिन में किसने कितनी केक कट की ना, उसका कैलकुलेशन आता है, और यदि कोई अपना केक लाना भूल जाए तो महीनों तक मुंह चढ़ा के बैठे रहते हैं। पर अब तो ऐसी अपेक्षाओं पर भी ब्रेक लग गई और पाप पर भी ब्रेक लग गई। तो इन दिनों हम पाप करने ही नहीं वाले, तो उसका पचकान तो लिया है ना। जैसे खिड़कियां बंद करने से घर को कचरे से सुरक्षित रख सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा को अशुभ कर्मों से सुरक्षित रखने वाला तत्व है पचखान। प्रश्न होता होगा ना, वैसे भी मन ने सोच ही तो लिया है हम करने तो नहीं वाले पाप, तो फिर पचखान क्यों लें? जैसे भले हम घर से बाहर घूमने गए हो, घर की बिजली यूज नहीं भी कर रहे हो, फिर भी इलेक्ट्रिक बिल पहले से कम अमाउंट में ही सही, पर बिल तो आता है और उसे भरना भी पड़ता है। वैसे ही भले पाप ना भी करे, पर यदि पचखान नहीं लिया है तो वो पाप की साइकिल चालू ही रहती है। इसीलिए परमात्मा के सामने और परिवारजनों के बीच अभिग्रह धारण करके पचखान लेना भूलोगे तो नहीं ना। ये ऑडियो सीरीज हमने हमारे थाना के फ्रेंड्स ग्रुप के 9 परिवारों को धर्म में आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड में मन की शांति और समाधि स्थिर रहे इसी आशय के साथ शुरू किया था। पर उसके बाद दोस्तों में, स्वजन, संबंधी, इसमें इतना शेयर होते जा रहा है और हमें इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सारी देव और गुरु की कृपा है, क्योंकि ये हमारे नहीं परमात्मा के शब्द हैं जो हम सभी को पहुंचा रहे हैं। फिर भी यदि कोई
परमात्मा के वचन की दलाली करने में रुक गया है तो उसे नम्र विनंती है कि अपने पूरे दिन का सिर्फ 0.4% टाइम ही ये ऑडियो को सुनने में देना है, और यदि आपको अच्छा लगे तो उसे आगे जरूर शेयर करना। यही आशा के साथ हमारे अगले ऑडियो का इंतज़ार भी ज़रूर करना।